हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ीनोज़ोन। गाइस, आ चुके हम लोग यहाँ पर दोबारा से हमारी वही मशहूर स्टोरी मोड ड्रैगन बॉल सी बुडोकाई टेनकाइची टैग टीम। और आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर विजिटो, जो कि गोकू और विजिटा के सुपर सैयन 2 का फ्यूजन था, उसके साथ फाइट करते हैं माजिन बू के साथ। लेकिन यहाँ पर फिर कुछ अरे नोटिफिकेशन यार, ड्रैगन बॉल सी गेम के अंदर तो भाई आना बंद कर दे, शर्म तो यार आते हैं यार। A version of Boo with no self-restraint and evil coursing through his veins destroyed the Earth. Yeah! Goku and the others were barely able to escape, even with the help of the Supreme Kai's teleportation. Without sparing a moment, Boo used the same teleportation to appear in the Supreme Kai's world himself. समझाता हूँ क्या, रुक जाओ। He saw the Supreme Kai use teleportation. It didn't take him long to copy the technique. Well, fine. If we have to fight, it might as well be here. All right, let's hit him and see what happens. Better go all out from the start. If we get killed, the universe is doomed. Show me now, then, this Super Saiyan 3. अब सुनो हुआ क्या? सीन क्या होता है कि पिछली वीडियो के अंदर जब हम लोग खेल रहे थे तो गोकू का सुपर सैयन 2 और वेजिटा का सुपर सैयन 2 ये दोनों करते हैं फ्यूजन और बनते हैं सुपर वेजिटो। अब ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बू को ऐसा पीट पीट के कर देते हैं उसका लाल पिछवाड़ा, मेरे भाई पिछवाड़ा। लेकिन क्या होता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ पावर की वजह से यहाँ पर फिर भी ये काफी अच्छा होल्ड करते हैं, पर ये क्या करते हैं, ये माजिन बू को अपने आप का एब्जॉर्ब करवाने देते हैं। तो जब ये जाते हैं माजिन बू की बॉडी के अंदर तो देखते हैं कि भाई गोटेंग, ट्रंक्स, पिकलो, मोटे वाला माजिन बू, ये सब उस माजिन बू की बॉडी के अंदर फंसे हुए होते हैं। ठीक है, अब वेजिटा क्या करता है, ये क्या करता है, वेजिटा तार तोड़ देता है उसकी बॉडी के अंदर के, जिसके थ्रू ये सारे कैरेक्टर्स इसकी बॉडी को एब्जॉर्ब किए हुए थे। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे माजिन बू अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है और गोटेंग, ट्रंक्स, पिकलो, माजिन बू मोटे वाला, ये सब उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर निकल गए तो माजिन बू अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाता है। फिर क्या होता है भाई, इसको आता है गुस्सा बहुत ज़्यादा और माजिन बू फिर अपनी असली ओरिजिनल स्टेट यानी कि किड बू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद भाई इसे आता है गुस्सा बहुत ज़्यादा, तो भाई अपनी छाती पीट लगता है एकदम गोरिल्ला की तरह, धम धम धम, अपनी छाती पीटते 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 एक बड़ा सा एनर्जी बॉल लेता है और ये धरती की तरफ फेंक देता है। उससे क्या होता है भाई, पूरी की पूरी धरती हो जाती है यहाँ पर तबाह। और उस समय गोकू यहाँ से भाग रहा होता है उसके उस एनर्जी अटैक से बचने के लिए, पर तभी क्योंकि पीछे इतनी बड़ी एनर्जी बॉल आ रही होती है तो भाई गोकू यहाँ पर फोकस नहीं कर पाता और वो अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ नहीं कर पा रहा होता, यानी कि गोकू खुद भी मरने वाला था। पर जिससे पहले कि ये लोग मरने वाले होते हैं, गोकू और वेजिटा सैटर्न को, डेंडे को, इनको उठा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद सुप्रीम काई अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से इनको ले जाता है अपने प्लेनेट सुप्रीम काई के प्लेनेट के अंदर और पूरी अर्थ के साथ गोहान, गोटेन, ट्रंक्स, पिकलो ये सब भी मर जाते हैं, जितने भी बचे कुचे लोग थे वो भी। लेकिन यहीं पे आता है ट्विस्ट, क्योंकि उसके बाद जो ये माजिन बू होता है ये धीरे धीरे भाई बाकी सारे यूनिवर्सेस को जाकर तबाह करना शुरू कर देता है कि भाई ये गोकू और वेजिटा गए कहाँ, इनको तो मुझे मार रहे हैं। तो इस तरीके से भाई यहाँ पर क्या होता है कि ये इंस्टेंट ट्रांसमिशन सुप्रीम काय की ये देख लेता है कि भाई कैसे कर रहा है वो, और वो फिर गायब होकर सुप्रीम काय के प्लैनेट पे ही आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर अब गोकू वेजिटा बोलते हैं कि भाई जब यहाँ तक ये आ ही गया है तो अब तो कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि भाई अगर यहाँ से भागेंगे तो ये तब भी ढूंढता ढांढता भाई आ ही जाएगा, क्योंकि भाई इसको अल्टीमेटली हमको ढूंढ के मारना ही है। तो फिर यहाँ पर ये लोग डिसीजन लेते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, और गोकू और वेजिटा अपना फाइनल बैटल लड़ते हैं ड्रैगन बॉल सी का, गोकू एंड वेजिटा वर्सेस किड बू। और किड बू माजिन बू की ओरिजिनल फॉर्म होती है, सबसे ईविल फॉर्म होती है। तो चलेंगे हम लोग यहाँ पर और सीधा उसी से बात करने के लिए, यानी कि किड बू से फाइट करने के लिए। और यहाँ पर फिर वेजिटा इसको ये भी बोलता है कि गोकू सुपर सैयन 3 दिखा दो मुझे। Finally, the beginning of the final battle. The fate of the whole universe is at stake. गुस्सा देख रहे हो? वो सुपर सैयन 3 आ जाओ, गोकू सुपर सैयन 3 वर्सेस किड बू, क्या बैटल होगा, क्या इंटेंसिटी होगी, देखो तुम बस, आज स्वाद आ जाएंगे आपको। और ऑब्वियसली बात है कि मैं सुपर सैयन 3 हूं तो मुझे ही मारेगा।
और पूरी ड्रैगन बॉल जी सीरीज के अंदर वेजिटा यहाँ पे भाई गोकू से जलता ही रहता है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों रहता है मुझसे हमेशा। लेकिन इस वाली फाइट के दौरान जब वेजिटा देखता है फाइट करते हुए गोकू को सुपर सेन 3 के साथ, तो वो खुद यहाँ पर तारीफ करता है कि गोकू तुम अलग ही हो और तुम बेस्ट हो। सुन रहे हो क्या बोल रहा है? सुनते रहो। You are the best there is, भाई इस मोमेंट के अंदर ना जितने भी ड्रैगन बॉल्स फैन थे भाई वो इतने खुश हुए थे कि भाई फाइनली वेजिटा जो है वो मानता है कि भाई गोकू ही बेस्ट है। क्योंकि गोकू क्या होता है, गुस्से में बहुत तगड़ा हो जाएगा, पर तब भी इसका जो दिल होता है भाई वो एकदम मासूम एकदम कि भाई माफ़ कर दो कोई बात नहीं भाई, तो ये वाली चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। और अब यहाँ पे थोड़ी सीरियस फाइट हो जाए भाई, बातचीत काफ़ी हो चुकी है। सुपर सैयन 3 की पावर दिखाते हैं हम लोग आप लोगों को किड बू के सामने, लेकिन भाई किड बू भी काफी स्ट्रांग होता है। लेट्स गो सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन। तो सुपर भाई क्या लग रहा है अपना गोकू देख रहे हो? ओह दोस्कर कामे में मारा तेरी, कामया मैं ही मार दी बेटा तुझे, मैं दिखाता हूं क्योंकि कामे में भाई ओरिजिनली गोकू का यहां पर सिग्नेचर मूव है। आ जाओ दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को गोकू के सुपर सैयन 3 की कामे हम यहां का लेवल। लपेट दिया कामे हाँ डॉच कर गया यार, दुबा मारेंगे आ जाओ, एक बार तो इसके चेप के रहूंगा बेटे। अब सीन क्या होता है कि गोकू पहले सिर्फ सुपर सैयन 2 से फाइट करता है किड बू के साथ, ताकि वेजिटा भी देख सके कि भाई सुपर सैयन 2 में लड़ रहा है तो उसे बुरा ना लगे। पर फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है गोकू सुपर सैयन 3 के अंदर, लेकिन तब तक ये अपनी आधे से ज्यादा जो स्टैमिना होता है भाई वो लूज कर चुका होता है। तो जब ये यहाँ पर फाइनल ब्लो यानी कि अपना स्पीड बम मार रहा होता है तो इसका स्टैमिना बचता ही नहीं है, तो दिक्कत होती है इसको बहुत ज्यादा। प्लस क्योंकि लो बेटे ये जो अभी किडबू ने हमला मारा ये वही हमला था जिसने इसने पूरी अर्थ को तबाह किया था, जो मैंने आपको बताया था स्टोरी स्टार्टिंग के अंदर कि जब ये सब कसम गायब हो गए थे तो यही वो हमला था। फाइनल फ्लैश मारा वेजिटा, अरे डॉच कर दिया उसने यार। अब गोकू जो है भाई वो अपनी की को बढ़ा नहीं पा रहा क्योंकि उसका स्टेमिना बचा नहीं है, तो यानी कि गोकू स्पीड बम मार नहीं सकता और ऐसे में तो इनका पिटना पक्का ही पक्का है। भाग ले इसके बेटा एक बार मैं ड्रैगन फिस्ट तो मार के रहूंगा। अरे मुझे मार दिया, ड्रैगन फिस्ट तो मैं तेरे मार के रहूंगा बेटे, बचेगा नहीं तू। आओ दोस्तों खत्म करें इसकी कहानी, ड्रैगन फिस्ट टैप 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 गोल्डन शेनरॉन। तेरी तो पर भाई अभी किडबू मरा कहाँ है, तुम रुको जरा सबर करो बेटे, किडबू है उसका नाम। इतनी आसानी से अगर ये भाई ड्रैगन बॉल जी का यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन होता है तेलदी मर जाएगा तुम्हें लगता है ऐसा? चल रही है बात, गोकू बोल रहा कि मैं अपने आप को चार्ज ही कर पा रहा। But you're really getting cocky. Did you think this international martial arts champion would let you get away with this injustice forever?
Even in a dream, you're scary. I'm sorry. अब मोटा मार्जिन बू भी बू की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये देखो। What? I hate you. Don't hurt my friend Hercule. मोटा मार्जिन बू इसी की बॉडी में ही था, निकला नहीं था वो। पर यहां से हम लोग करेंगे कंटिन्यू वाली स्टोरी को अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि यहां पर फाइट होने वाली है मोटा मार्जिन बू वर्सेस किड बू। बॉयज लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो हमारी इस गेम की लास्ट वीडियो हो सकती है शायद। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top.